तो हेलो गाइस, वेलकम कोर्स फॉर इंटरव्यू, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो जॉब प्रोजेक्ट सीरीज होटल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो इस अब तक हम काफी कुछ कर चुके हैं। अगर मैं आपको स्टार्टिंग से चला के दिखाऊँ इसको, तो अब तक हम काफी कुछ कर चुके हैं। ठीक है, काफी सारे हम फ्रेम्स बना चुके हैं, बहुत कुछ काम कर चुके हैं हम अब तक इसमें। ठीक है, और बस नेक्स्ट जो 2 या 3 वीडियोस में पूरा प्रोजेक्ट क्लोज हो जाएगा। तो एडमिन मैंने यहाँ पर टाइप किया, 1 2 3 4 5 मैंने यहाँ पर टाइप किया, ऑथेंटिकेट किया अपने यूजर को। और यहाँ पर मेरे पास फिर 3 ऑप्शंस थे, ये 3 ऑप्शंस हम देख चुके हैं। फिर मेरे पास यहाँ रिसेप्शन का ऑप्शन था, जिसमें मैं कोई भी कस्टमर ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, ये हमने अभी लास्ट टू लास्ट क्लास में बनाया था। यहाँ पर भी मेरे पास रूम्स थे, ठीक है, जिसमें भी अभी 102 रूम मेरा ऑक्यूपाइड है एंड 122 ऑक्यूपाइड है। ठीक है, और यह बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर मेरे पास अभी इस पे काम करना है, ये अभी नहीं हुआ। ऑल एम्प्लॉयज इन्फो हो चुका है, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास सभी एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन थी। कस्टमर इन्फो हो चुका है, यहाँ पर मेरे पास सभी कस्टमर इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, मैनेजर इन्फो हो चुका है, यहाँ पर मेरे पास सभी मैनेजर्स की इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, चेकआउट पे अब अभी काम नहीं हुआ, अपडेट चेक स्टेटस पे अभी काम नहीं हुआ, अपडेट रूम स्टेटस हमने लास्ट वीडियो में देखा था। ठीक है, यहाँ पर अगर चेक करता हूँ तो ये मेरे पास इसका रूम स्टेटस था। ठीक है, फिर अभी पिकअप सर्विस पे काम नहीं हुआ, सर्च रूम पे काम नहीं हुआ एंड लॉगआउट पे काम नहीं हुआ। ठीक है, तो या तो इस आज इस वीडियो में हम काम करेंगे अपडेट चेक स्टेटस पर। ठीक है, ये वाला फ्रेम बनाएंगे। तो ये वाला फ्रेम बनाने के लिए आपको एक जावा क्लास बनानी है। ठीक है, जावा क्लास बनानी है आपको अपडेट चेक के नाम से। ठीक है, अपडेट और चेक के नाम से मैंने यहाँ पे क्लास बनाई। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, बस यहाँ पर मेरे जो यूजर की चेक इन्फॉर्मेशन है वो होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक्सचेंज किया जे फ्रेम को। ठीक है, जे फ्रेम का एफ कैपिटल होगा। फटाफट करते हैं कोडिंग इसकी। ठीक है, इस क्लास की लास्ट क्लास क्योंकि बहुत लंबी थी। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता। ठीक है, तो यहाँ पे स्विंग डॉट स्टार किया। ठीक है, और यहाँ पे परफेक्टली बिल्कुल, और इसको यहाँ पे किया कंस्ट्रक्टर बनाया मैंने यहाँ पे एक अपडेट चेक के नाम से। ठीक है, अपडेट चेक के नाम से मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया, बिल्कुल परफेक्ट है। मेरे को सभी लेबल्स बनाने हैं, तो मेरे को यहाँ पे टोटल अभी 6 लेबल चाहिए। ठीक है, तो जे लेबल L1 इज इक्वल्स टू न्यू जे लेबल मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा चेक इन डिटेल्स। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट। फिर लास्ट में मैंने वहाँ पे सेमी कॉलन लगाया। ठीक है, सेमी कॉलन लगाते हैं, फिर L1 डॉट सेट बाउंस करेंगे इसको। ठीक है, L1 डॉट सेट बाउंस करेंगे, उससे पहले इसका वो सेट करते हैं L1 डॉट सेट फॉन्ट किया मैंने यहाँ पे इसको, न्यू फॉन्ट पे मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, इसको तहोमा देते हैं, और यहाँ पर आ जाएगा अपने पास फॉन्ट डॉट प्लेन। ठीक है, प्लेन रखते हैं और इसको रखते हैं 20, बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है, अब इसका यहाँ पे फोरग्राउंड भी देते हैं एक। ठीक है, लास्ट वीडियो में जैसे अब तक हम देते आए हैं सेट फोरग्राउंड, ये मैं जो मेरी बीच में हेडिंग लिखी हुई है मैं यहाँ पर वो बना रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर फोरग्राउंड दिया इसका। फोरग्राउंड से हम फोन का कलर सेट कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर लिखा कलर डॉट, हाँ कलर डॉट ब्लू देते हैं, या एक सेकेंड BLUE, या और ऊपर मेरे को इसको इम्पोर्ट करना पड़ेगा, तो AWT डॉट स्टार किया इसको, परफेक्ट। ठीक है, सेट बाउंड करते हैं यहाँ से 20 करते हैं, यहाँ से 30 करते हैं। आई हैव नो क्लू ये कहाँ पे आएगा, बस मैं चेक कर रहा हूँ कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, और इसको 30 करते हैं। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर इसको किया सेट लेआउट, सेट लेआउट मैंने यहाँ पे नल किया। ठीक है, और फिर सेट बाउंस करते हैं, कितना करते हैं 500 करते हैं, इसको 200 करते हैं, इसको 1000 करते हैं, इसको करते हैं 500, जैसे कि हमने बिल्कुल लास्ट क्लास में दिया था मैंने बिल्कुल वही डाला है। और फिर सेट विजिबल इसको कर दिया, अरे कहाँ गया, या इसको सेट विजिबल कर दिया मैंने यहाँ पे ड्रॉ। ठीक है, मेन बनाते हैं, मेन बनाने के लिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मैंने यहाँ पर लिखा, और यहाँ पे मैंने लिखा स्ट्रिंग, एक सेकेंड, स्ट्रिंग ARGS। ठीक है, और यहाँ पे न्यू अब डेट चेक किया डॉट सेट विजिबल ट्रू। ठीक है, परफेक्ट, चलाते हैं। बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, ये लेबल क्यों नहीं आया इसको, अच्छा इसको ऐड नहीं किया। ठीक है, ऐड करेंगे यहाँ पे इसको L1 को, चलाया। परफेक्ट है, बस इसको थोड़ा सा आगे करना है। ठीक है, तो मैंने इसको 20 से हटा के इसको 50 किया। ठीक है, और भी बाद में इसको बीच बीच में ले आएंगे फिर। ठीक है, तो मेरे जो बाकी लेबल्स हैं वो L2 के नाम से हैं, तो मैंने इसको यहाँ पे कॉपी करा, ये इसको पेस्ट किया यहाँ पे। ठीक है, जो मेरा नेक्स्ट लेबल है वो L2 के नाम से, एंड जो मेरा यहाँ पे लेबल का नाम है वो कस्टमर आईडी। ठीक है, कस्टमर आईडी है यहाँ पर मेरी, कस्टमर आईडी, या ठीक है, और फिर इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं। ठीक
ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर सपोज 30 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और फिर 50 एंड ये कितना है, 30 एंड 30 60 तो यही है, इसको 80 करते हैं, ठीक है, उसको 100 करते हैं, और इसको करते हैं यहाँ पे 20, या ठीक है बिल्कुल, ठीक है। फिर मेरे पास यहाँ पे नेक्स्ट जो मेरी आईडी है वो रूम नंबर के नाम से है, ठीक है, नेक्स्ट जो मेरा मतलब लेबल है, आईडी नहीं, ठीक है, रूम नंबर है मेरे पास, फिर यहाँ पे नेक्स्ट लेबल, और यहाँ पर आ जाएगा अपना L3, ठीक है, और ये गैप रखते हैं 40 40 का, ठीक है, और यहाँ पे आ गया L3 एंड यहाँ पे आ गया L3, ठीक है, इसको किया कॉपी, ठीक है। कितने लेबल सोच चुके हैं अपने पास, 3 लेबल सोच चुके हैं, 3 लेबल हो रहे हैं, 4 5 एंड 6, या तो 4 बनाया है यहाँ पे, इसको भी 4 किया, इसको भी 4 किया, इसको 5 किया, इसको 5 किया एंड इसको 5 किया, ठीक है, एंड इसको 6 किया, इसको भी 6, इसको भी 6, ठीक है, ये 120 था, ठीक है, और इसको 160 किया, इसको 200, अरे एक सेकेंड, इसको किया 200, ठीक है, एंड इसको किया 240, या बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। तो कस्टमर आईडी के पास बाद अपना यहाँ पे रूम नंबर था, रूम नंबर के बाद फिर अपना यहाँ पे नेम था, ठीक है, यहाँ पे था अपना नेम, ठीक है, नेम के बाद फिर अपना चेक इन स्टेटस था कि बंदा चेक इन कर चुका है या नहीं किया, तो यहाँ पे आ जाएगा चेक चेक इन, या चेक इन, ठीक है। उसके बाद फिर अपना अमाउंट पेड था कि बंदा कितने अमाउंट कितना अमाउंट पे कर चुका है, यहाँ पे आ गया अमाउंट पेड, AMUNT, ठीक है, अमाउंट पेड, एंड फिर यहाँ पे मेरे पास एक और लेबल है जो कि है पेंडिंग अमाउंट, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे 7 लेबल्स हैं, हाँ मेरे को लगा 6 लेबल्स थे, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे फिर 7 लेबल्स हैं, लास्ट लेबल में अपना पेंडिंग अमाउंट, तो यहाँ पे आ गया पेंडिंग अमाउंट, इसको चलाते हैं एक सेकेंड के लिए, 280 किया इसको, ठीक है, चेक कर लेता हूँ एक सेकेंड के लिए बस, L1, अरे यहाँ पे पहली बात ही L2 है, ठीक है, इसको नहीं मैंने चेंज किया, ऊपर L1 है, ये L2 है, L3, L4, L5, L6 और यहाँ पर है L7, या ठीक है, तो मिस्टेक शायद निकल गई है सारी, देखते हैं चला के, या बिल्कुल ठीक है, ठीक है, या इसको थोड़ा सा आगे करते हैं, इसको करते हैं 80, ठीक है। फिर मेरे पास यहाँ पे 3 बटन्स हैं, ठीक है, तो बटन बनाता हूँ मैं यहाँ पे, जे बटन, B1, B2 एंड B3, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब मेरे पास यहाँ पे एक चॉइस है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक चॉइस बनाई C1 के नाम से, और मेरे पास बाकी सारे सारी जो है वो टेक्स्ट फील्ड्स हैं, तो मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड है T1 के नाम से, T2 के नाम से, T3 के नाम से, अरे डॉट क्यों लग रहा है, T2 के नाम से, T3 के नाम से, T4 के नाम से एंड T5 के नाम से, ठीक है, मेरे पास यहाँ 5 टेक्स्ट फील्ड्स हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब सबसे पहले टेक्स्ट फील्ड्स बनाते हैं, तो कस्टमर आईडी के सामने तो मेरी चॉइस है, रूम नंबर के सामने लेकिन मेरी टेक्स्ट फील्ड है, तो मैंने यहाँ पे लिखा T1 इज इक्वल्स टू न्यू जे टेक्स्ट फील्ड, ठीक है, और फिर T1 डॉट सेट बाउंस किया मैंने यहाँ पे, ठीक है, T1 डॉट सेट बाउंस किया, इसको 22, ठीक है, इसको यहाँ से करेंगे और 150 एंड इसको करेंगे 25, ठीक है, ऐड करेंगे T1, या परफेक्ट, बिल्कुल इसको कॉपी किया, ठीक है, बाकी सबके सामने इसको पेस्ट कर देंगे, पेस्ट किया यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे भी पेस्ट किया, अमाउंट पेड के सामने इसको पेड पेस्ट किया, और यहाँ पे पेंडिंग अमाउंट के सामने इसको पेस्ट किया, ठीक है, बाकी इसको चेंज कर देंगे सबको, ठीक है, तो या यहाँ पे कस्टमर आईडी और यहाँ पे का रूम नंबर की, ठीक है, रूम नंबर के सामने हमारी T1 टैक्स फील्ड है, यहाँ पे हमारी कौन सी टैक्स फील्ड है, T2, ठीक है, ये T2, और यहाँ पे अपनी T3 टैक्स फील्ड है, ठीक है, और फिर बाकियों को चेंज करते हैं, टोटल 5 टैक्स फील्ड है अपने पास, तो यहाँ पे आ गई T4 एंड ये नीचे आ गए यहाँ पे T5, ठीक है, इसको चेंज करते हैं, इसको किया मैंने 280, ठीक है, इसको किया यहाँ पे मैंने 240, ठीक है, एंड इसको किया मैंने यहाँ पे 200, अरे 2000 नहीं, ठीक है, परफेक्ट बिल्कुल, और इसको किया मैंने यहाँ पे 160, 160 है ना, या चलाते हैं, इसके बाद फिर अब चॉइस बनाएंगे, ठीक है, ये आप बिल्कुल परफेक्ट आए, ठीक है, अब चॉइस बनाते हैं, चॉइस अपनी यहाँ पे होगी इसके सामने, ठीक है, आप कहीं भी बना सकते हैं, लेकिन एक चीज फॉलो कर रहा हूँ मैं कि जो चीज जो लेबल है उसी के सामने मैं वही चीज रखूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ट्राई लगाया, ट्राई के साथ मैंने यहाँ पे कैश लगाया, हमें को ये जो कस्टमर आईडी है वो मेरे को डायनेमिकली फेच करनी है, ठीक है, ये जे जे नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक
ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कौन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, इक्वल्स टू न्यू कौन किया इसको, ठीक है। मैंने यहाँ पे, मेरे को यहाँ पे एक क्वेरी चलानी है, तो मैंने यहाँ पे लिखा रिजल्ट सेट आर एस इज इक्वल्स टू सी डॉट एस डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, ठीक है। अब रिजल्ट सेट को मेरे को ऊपर अपडेट कराना पड़ेगा क्योंकि सीक्वल पैकेज में होता है, इम्पोर्ट कराना पड़ेगा, सॉरी अपडेट बोल रहा हूँ, ठीक है। डॉट सीक्वल डॉट स्टार, ठीक है, इस पैकेज के अंदर होता है, तो रिजल्ट सेट के अंदर यहाँ पे ये आ गया, इसके अंदर यहाँ पे मैंने ये लगाया, ठीक। अब यहाँ पे मेरे को एक क्वेरी चलानी है, ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर करना है, ठीक है, सारे कस्टमर्स मेरे को उठाने हैं यहाँ पे। अब वाइल, एक मेरे को यहाँ पे वाइल चलाना है, वाइल आर एस डॉट नेक्स्ट, ठीक है, वाइल आर एस डॉट नेक्स्ट, तो इसको यहाँ से एक सेकेंड क्लोज करता हूँ, या परफेक्ट, बिल्कुल ठीक है। अब फिर सी वन डॉट एड करना है मेरे को, सी वन डॉट एड आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग, मेरे पास एक फंक्शन है, इसके अंदर से मेरे को निकालना है, किस नाम से, एक सेकंड मेरे को चेक करना पड़ेगा कि कस्टमर आईडी जो है वो किस नाम से, नंबर के नाम से है, ठीक है। तो मेरे को यहाँ से नंबर नंबर उठाना है, नंबर यहाँ से मैंने उठाया, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट। अब सी वन डॉट सेट बाउंस करेंगे, ठीक है, इसको ऐड करते हैं फ्रेम पे, तो ये कहाँ तक जाएगा, 280, अरे ये क्या हो गया, एक सेकेंड, शिफ्ट एंटर, या ठीक है, ये जाएगा 80 तक, एंड ये जाएगा 150 एंड 25, या आई होप ठीक होना चाहिए, ठीक है, चलाते हैं। परफेक्ट, जो आईडी थी मेरी वो यहाँ से डेटाबेस से फैच होके आई है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। अब नीचे तीनों बटन्स लगाते हैं, सबसे पहले इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं एंड इसको 90 करते हैं, चलाते हैं, बेटर, ठीक है। अब यहाँ पे तीनों बटन्स बनाते हैं, अब अपने बटन बनाने के लिए b1 इज इक्वल्स टू न्यू j बटन, ठीक है, और ये पहला जो बटन है वो चेक का बटन है, ठीक है, b1 डॉट सेट करेंगे यहाँ पे बैकग्राउंड को GROUND, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा कलर डॉट ब्लैक, ठीक है, b1 डॉट सेट फोरग्राउंड, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा कलर डॉट वाइट, ठीक है, और b1 डॉट सेट बाउंड्स BOUNDS, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 30 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 280 तक तो यही जा रहा है, तो 280 और कितना गैप दें, 60 का गैप देते हैं, तो 340, ठीक है, और ये होगा 350 तक जा रहा है ना, ये इसको 100 देते हैं, 130, या ठीक है, ऐड करेंगे B1 को, परफेक्ट, बिल्कुल ठीक है। B2 और B3 इन दोनों को भी यहाँ पे कॉपी पेस्ट मारता हूँ, फिर देखते हैं, फिर बाद में इसको अलाइन कर देंगे उसके हिसाब से, ठीक है। यहाँ B2 गया, B2 एंड B2, यहाँ पे गया B3 एंड यहाँ पे आ गया B3, ठीक है। तो ये वाला जो अपना बटन है वो अपडेट का बटन है, ठीक है, फिर ये वाला जो अपना बटन है वो बैक का बटन है, ठीक है, या परफेक्ट, बिल्कुल ठीक है। इसमें थोड़ा सा स्पेस देते हैं और यहाँ पे गेट कंटेंट, ठीक है, ये सब वही है जो मैं पीछे कर चुका हूँ अब तक, ठीक है। तो आई होप शायद बार बार ये चीज़ें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सी चीज़ क्या करती है, क्योंकि पीछे मैं काफ़ी बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। हाँ, या फिर यहाँ पे 130 तक तो मेरा ये जा रहा है, 130 के बाद ये शुरू होगा, तो इसको शुरू करते हैं 150 से, ठीक है, 150 250 तक ये जा रहा है, तो ये स्टार्ट होना चाहिए 270 से, या चलाते हैं। काफ़ी बेटर है, ठीक है, बहुत सही, परफेक्ट, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले एक इमेज लगाते हैं, ठीक है, इमेज लगाने के लिए, क्योंकि बार बार मैं इमेज भूल जाता हूँ, तो सबसे इमेज पिछली 3 या 4 वीडियोस से इमेज जो लगा रहा हूँ मैं, सबसे लास्ट में लगा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा इमेज आइकन, ठीक है, और फिर क्लास लोडर डॉट गेट सिस्टम RESOURCE, गेट सिस्टम रिसोर्स, और ये होटल के अंदर है, ठीक है, होटल के अंदर MANAGEMENT, ठीक है, और ये सिस्टम के अंदर है, आइकन्स के अंदर है, कौन सी इमेज है, 9.jpg है क्या, देखते हैं एक सेकंड के लिए, आई हैव नो क्लू कौन सी इमेज है, हाँ ये वाली इमेज है, 9.jpg, ठीक है, 9.jpg, और लास्ट में लगा सेमी कॉलन, इसको jpg किया, ठीक है, इसको सीधा ऐड करते हैं, J label और L9 से, ठीक है, इक्वल्स टू न्यू
लेबल ठीक है, और इसको L1 के यहाँ पे, और फिर L9 डॉट सेट बाउंड्स किया यहाँ पे इसको ठीक है। और ये कहाँ तक जाएगा, 270 एंड 370 तक तो यही है, तो 400 से स्टार्ट करते हैं इसको, 450 एंड इसको देते हैं 500 एंड 300। मैं सिर्फ चेक कर रहा हूँ, मेरे को कोई क्लू नहीं है कहाँ पे आएगा ठीक है। या चलाते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है। अरे चीते सेक्सी, बस इसको थोड़ा सा यहाँ से 980 करते हैं, थोड़ा सा वो भार था ज्यादा वहां से। हाँ अब बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो मेरे को तीनों बटन पे एक्शन लेना चाहिए ठीक है, तो वो लगाते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा अरे अरे या ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा LASTENER ठीक है, ये होता है मेरा इम्पोर्ट जावा डॉट AWT डॉट इवन डॉट स्टार में ठीक है, और फिर यहाँ पर आ गए ठीक है। ऊपर शायद कोई मिस्टेक हुई है, देखते हैं एक सेकेंड। अच्छा यहाँ पे मैंने इंप्लीमेंट्स नहीं लिखा ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इंप्लीमेंट्स लिखा, अगर वॉइस में थोड़ी डिफ्लेक्शन है तो आई एम सॉरी ठीक है, कांट हेल्प अभी के लिए, नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे। तो यहाँ पर आ गए पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म ठीक है, और यहाँ पे आ गया अपने पास एक्शन इवेंट ए ठीक है, बिल्कुल सही। इफ ए डॉट गेट सोर्स, अगर ये हमारा इक्वल है, अगर ये हमारा बी1 के इक्वल है तो कुछ और एक्शन पर परफॉर्म होगा ठीक है, लेकिन अगर एल्स इफ ए डॉट एक सेकेंड ए डॉट गेट सोर्स, अगर ये हमारा जो है B2 के इक्वल है तब कुछ और एक्शन परफॉर्म होगा, लेकिन अगर ए डॉट गेट सोर्स, अगर ये हमारा B3 के इक्वल है जो कि सिंपल बैक बटन है, तो यहाँ पे मेरे को रिसेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, डॉट सेट विजिबल इसको 2 करना है ठीक है, और दिस डॉट सेट सेट विजिबल, और इसको कर दिया मैंने यहाँ पे फॉल्स ठीक है, या बिल्कुल सही है ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को अपडेट करना है तो सबसे पहले ट्राई और कैच लगाया ठीक है, ट्राई और कैच लगाया यहाँ पे, सेकंड इसको स्पेस दिया यहाँ पे ठीक है। अब ट्राई कैच में सबसे पहले मैंने यहाँ पे कौन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, कौन सी इक्वल्स टू न्यू कौन ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैं क्या मेरे को क्या करना है यहाँ पे कि यूजर ने जो भी आईडी सेलेक्ट की है ठीक है, यहाँ पे यूजर ने जो भी आईडी सेलेक्ट की है उसके रेस्पेक्ट में जो डेटा है उसको मेरे को डेटाबेस से निकालना है और यहाँ पे इनमें फिल करना है ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे ये वाली दो यूजर आईडीज हैं फिलहाल, कस्टमर आईडी ठीक है, तो यूजर जो भी सेलेक्ट करेगा इन दोनों में से उसके रेस्पेक्ट में जो डेटा है वो निकल के यहाँ पर आना चाहिए ठीक है। तो अब इन्हीं पे ही काम करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले एक स्ट्रिंग लेंगे, स्ट्रिंग आईडी के नाम से इक्वल्स टू, और यहाँ पे सी1 डॉट गेट सेलेक्टेड आइटम ठीक है, क्योंकि मेरे को वहाँ पे एक चॉइस है उसमें से डेटा निकालना है, तो सी1 डॉट गेट सेलेक्टेड आइटम, फिर मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग लगाई स्ट्रिंग str इक्वल्स टू ठीक है, या स्ट्रिंग str इक्वल्स टू सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर या वेयर, यहाँ पे एक सेकेंड के लिए ये लगाया ठीक है, वेयर ये किस नाम से, नंबर के नाम से शायद, या नंबर के नाम से, वेयर नंबर इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे ये लगाया, यहाँ पे ये लगाया, ये लगाया, और बीच में इसके ये लगाया, परफेक्ट बिल्कुल ठीक है, जहाँ पे ये आईडी के नाम से है, तो यहाँ से मेरा सारा डेटा निकल के आएगा। तो इसको मैंने डाला एक रिजल्ट सेट में, रिजल्ट सेट आर एस इज इक्वल्स टू सी डॉट एस डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, उसके अंदर डाल दिया str, बिल्कुल परफेक्ट ठीक है। अब यहाँ से मेरे पास एक डेटा निकल के आएगा ठीक है, आर एस डॉट नेक्स्ट किया मैंने यहाँ पे ठीक है, उस डेटा को ट्रैक करने के लिए आर एस डॉट नेक्स्ट किया मैंने यहाँ पे। अब यहाँ से मेरे पास क्या क्या निकल के आ सकता है जो जिसकी मेरे को ज़रूरत है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे दो चीज़ें चाहिए होंगी ठीक है, क्योंकि सारा डेटा यहाँ पे एक चीज़ से नहीं आएगा ठीक है। अब आप यहाँ पे अगर देखोगे तो मेरे पास यहाँ पे रूम नंबर मेरे को चाहिए, यहाँ पे रूम नंबर मेरे पास यहाँ से आ जाएगा 102, मेरे को नेम चाहिए नेम आ जाएगा, चेक इन स्टेटस चाहिए, चेक इन स्टेटस यस चेक इन स्टेटस है यहाँ पे, अमाउंट पेड चाहिए ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे अमाउंट पेड भी है, तो मेरे पास यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ नहीं है जो कि है पेंडिंग अमाउंट, पेंडिंग अमाउंट आएगा रूम का जो एक्चुअल अमाउंट है वहाँ से ठीक है। रूम का एक्चुअल अमाउंट कितना है अभी देखते हैं, एक सेकेंड इस पर एक्शन लिस्ट लगाते हैं, मैं फिर इस वीडियो में फिर बोल के एक्शन लिस्ट लगाना ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक एक्शन लिस्ट लगाया ठीक है,
इसके अंदर मैंने पास किया यहाँ पे दिस। इस लाइन को कॉपी करेंगे, तीनों में पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक्शन इसने लगाया मैंने, ठीक है। एक सेकेंड एक सेकेंड, एंड फिर मैंने यहाँ पर एक एक्शन लिसन लगाया B3 के नाम से, ठीक है। इसको चलाते हैं एक सेकेंड। एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ मैं कि पेंडिंग अमाउंट कहाँ से आएगा, ठीक है। पैक किया मैंने यहाँ पे, अगर आप रूम पे जाओगे तो रूम पे मेरे पास यहाँ पे हर रूम का प्राइस है, ठीक है। मेरा जो रूम है वो कितने कि मेरा जो रूम है वो कितने अमाउंट का पर नाइट के हिसाब से। तो 102 वाला अगर आप देखोगे तो 102 वाला सिर्फ वो है 11,000 रुपीज का, ठीक है। लेकिन 102 वाले ने पे कितने किए हैं, 102 वाले ने पे किए हैं सिर्फ 5,000, मतलब पेंडिंग अमाउंट उसका कितना है 11,000 माइनस 5,000 जो कि है 6,000। तो मेरे को यहाँ पे जो पेंडिंग अमाउंट है वो मेरे को यहाँ से रूम से उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं बस इतना समझाने की कोशिश कर रहा था। तो बाकी चीजें रूम नंबर नेम चेक इन स्टेटस और अमाउंट पेड ये सब मेरा इस यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, निकालते हैं इसको। तो यहाँ पर आए, ठीक है, यहाँ पर आए तो मेरे को T1.set text करना पड़ेगा जैसे ही हमने पीछे किया था, ठीक है। और RS.getString परफेक्ट बिल्कुल, ठीक है। और यहाँ से मैंने उठाया नंबर, रूम नंबर कितना है मेरा। तो सबसे पहली फील्ड शायद मेरी रूम नंबर की है, या तो वो नंबर से आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर T2.set text, ठीक है, T2.set text और यहाँ पर RS.getString RS.getString, ठीक है। और ये अब सेकेंड T2 मेरा क्या है, नेम के नाम से, नेम मेरा यहाँ पे नेम के ही नाम से है सिक्वल में, तो मैंने इसको नेम डाला, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर मेरा T3.setText है, ठीक है, उसके अंदर RS.getString है, ठीक है। तीसरी फील्ड क्या है मेरी, तीसरी फील्ड है मेरी चेक इन स्टेटस के नाम से। तो वो ये चीज़ मेरी शायद स्टेटस के नाम से, एक सेकेंड जरा क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, स्टेटस के नाम से है ना, या ये चीज़ मेरी स्टेटस के नाम से है, ठीक है। उसके बाद फिर मेरा T4 है, T4.getText में सेट टेक्स आएगा, ठीक है, T4.setText। और यहाँ पे करेंगे RS.getString, ठीक है। और ये क्या चीज़ है मेरी, ये मेरा अमाउंट पेड है, तो यहाँ पे डिपॉजिट के नाम से है मेरा, ठीक है, परफेक्ट। चला के देखते हैं चल रहा है या नहीं, नहीं नहीं चल रहा, ठीक है, आई होप चल जाना चाहिए। चेक किया मैंने यहाँ पे, या चल रहा है। तो रूम नंबर नहीं चल रहा, नहीं रूम नंबर नहीं चल रहा, रूम नंबर के नाम से शायद कस्टमर आईडी उठा दी, या क्योंकि नंबर के नाम से कस्टमर आईडी है, जो रूम नंबर है मेरा वो रूम के नाम से, ठीक है। तो इसमें एक हल्का सा माइनर सा चेंज है, यहाँ पे नंबर की जगह रूम आया, या चलाते हैं, ठीक है। तो चेक किया मैंने, हाँ बिल्कुल ठीक है। इस बार कस्टमर आईडी का बंदा है वो रुका हुआ है 102 रूम नंबर में, नाम है उसका शाहरुख खान, चेक इन कर चुका है वो, यस। अमाउंट पेड कितना है 5,000। तो पेंडिंग अमाउंट अपने को निकालना है यहाँ पे, ठीक है। पेंडिंग अमाउंट निकालने के लिए मेरे को यहाँ पे एक और क्वेरी चलानी पड़ेगी, ठीक है। एक और क्वेरी चलाने के लिए मेरे को यहाँ पे रिजल्ट सेट का यूज करना पड़ेगा, RS2 लिखेंगे इस बार, ठीक है, इक्वल्स टू C.S.execute क्वेरी यहाँ पे मेरे को करनी है। और क्वेरी कहाँ से आएगी मेरे पास, कि सेलेक्ट करना है मेरे को, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रूम, ठीक है, वेयर, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रूम वेयर। अब यहाँ पे सबसे पहले मेरे को ये चीज चाहिए, रूम नंबर चाहिए बंदे का, ठीक है। तो रूम नंबर के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करी, स्ट्रिंग रूम के नाम से, ठीक है, जिसको मैंने इनिशियली नल किया, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर इसको यहाँ पे फिर किया मैंने, रूम इज इक्वल्स टू RS.getString, और इसके अंदर मैंने रूम की वैल्यू डाल दी, ठीक है, कि मेरा कितना रूम नंबर है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रूम वेयर, रूम इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये रूम इज इक्वल्स टू, यहाँ पे प्लस लगाया, ठीक है, जैसे कि हम अब तक करते हैं। और यहाँ पे एक ये लगाया, लास्ट में ये लगाया, और यहाँ पे मैंने डाला रूम। ये जो इस वेरिएबल की जो वैल्यू है वो मैंने उठा के यहाँ पे डाल दी। वैल्यू इनिशियली नल है, लेकिन यहाँ से रूम की रूम नंबर जो है यहाँ से रूम में आ जाएगा। उसके बाद फिर ये वैल्यू मैंने यहाँ पे डाल दी रूम में, ठीक है। अब वाइल मैंने यहाँ पे किया RS2.next, ठीक है, और यहाँ से मैंने वैल्यू उठाई T5.setText करेंगे, ठीक है, और RS.getString, ठीक है, और यहाँ से मैंने वैल्यू उठाई किस चीज़ की, उसकी क्या कहते हैं, एक सेकेंड मेरे को चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रूम, मेरे को यहाँ से प्राइस उठाना है, ठीक है, रूम नंबर के हिसाब से मेरे को यहाँ पे प्राइस उठाना है, जो कि शायद आना चाहिए 11,000, ठीक है। अभी मैं सिर्फ चेक कर रहा हूँ, ठीक है, ये पेंडिंग अमाउंट नहीं है, ये मैं सिर्फ चेक कर रहा हूँ कि वो वैल्यू उठा पा रहा है या नहीं उठा पा रहा, ठीक है। तो या वैल्यू उठा नहीं पा रहा वो, ठीक है। T5.setText
इसलिए नहीं उठाई क्योंकि यहाँ पे RS2 आएगा और यहाँ पे भी RS2 आएगा। तो बस एक ही छोटी सी माइनर सी मिस्टेक थी जो मेरे को देखनी थी कि वो वैल्यू उठा रहा है या नहीं उठा रहा। या तो वैल्यू उठा रहा है वो 11,000। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे एक स्ट्रिंग और ले लेनी है। ठीक है, स्ट्रिंग मेरे को यहाँ पे लेनी है डिपॉजिट के नाम से। ठीक है, डिपॉजिट इक्वल्स मैंने यहाँ पे नल किया। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। फिर मेरे पास यहाँ पे एक स्ट्रिंग और लेनी है मेरे को। ठीक है, स्ट्रिंग आएगी मेरे पास यहाँ पे किसके नाम से, अमाउंट पेड के नाम से। अमाउंट पेड इक्वल्स टू इनिशियली इसको नल किया, फिर मेरे पास यहाँ पे एक स्ट्रिंग और लेनी है मेरे को। ठीक है, जो कि होगी डिपॉजिट अमाउंट पेड और ये होगी प्राइस के नाम से। प्राइस इक्वल्स टू इसको भी मैंने इनिशियली कितना किया, नल। ठीक है, एनयू डबल। अब मेरे पास यहाँ पे रूम के नाम से तो गेट स्ट्रिंग है। ठीक है, रूम के नाम से मेरे पास यहाँ पे डेटा है, इसको एक सेकेंड कॉपी किया और यहाँ पे मेरे को यहाँ से डिपॉजिट निकालना है। तो यार बिल्कुल ठीक है, यहाँ से मेरे पास वैल्यू निकालनी है मेरे को डिपॉजिट की, कि बंदे ने कितना डिपॉजिट किया हुआ है और उसको मेरे को स्टोर कराना है यहाँ पे डिपॉजिट में, तो जो मेरी डिपॉजिट स्ट्रिंग है। ठीक है, क्योंकि मेरे को पेंडिंग अमाउंट निकालना है। और अब रूम का जो प्राइस है, ठीक है, यहाँ से मेरे को रूम का प्राइस उठाना है। ठीक है, और ये चीज़ मेरे को स्टोर करा देनी है किसमें, प्राइस में। प्राइस इक्वल्स टू RS2 डॉट गेट स्ट्रिंग। ठीक है, अब मेरे पास क्या चीज़ है, मेरे पास प्राइस आ चुका है। ठीक है, मेरे पास डिपॉजिट आ चुका है कितना है, तो यहाँ पे अमाउंट पेड कितना हो जाएगा फिर। ठीक है, अमाउंट पेड हो जाएगा इंटीजर डॉट पार्सेंट। ठीक है, क्योंकि अब मेरे पास यहाँ पे स्ट्रिंग आएगी और मेरे को यहाँ पे अरिथमेटिक कैलकुलेशन करनी है जो कि होगी सब्ट्रैक्शन, तो मेरे को यहाँ पे उस स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। ठीक है, तो अमाउंट पेड यहाँ पे टोटल कितना पे मेरे पास प्राइस है, प्राइस आ जाएगा यहाँ पे प्राइस माइनस इंटीजर डॉट पार्सेंट। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा प्राइस और अमाउंट डिपॉजिट। ठीक है, डिपॉजिटेड या इंटीजर डॉट पार्सेंट। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हुई है। आपको ये जो चीज़ है, ठीक है, इसको एक सेकेंड के लिए यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं आएगी है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास वहाँ पे इंटीजर वैल्यूज़ हैं। अब यहाँ पे मेरे पास ये सभी वैल्यूज इंटीजर थी। ठीक है, अब इंटीजर को मैं स्ट्रिंग में नहीं स्टोर करा सकता क्योंकि यहाँ पे ये डिपॉजिट और प्राइस जो थे वो इनिशियल में मेरे पास स्ट्रिंग थे, लेकिन इनको मैं यहाँ पे इंटीजर में कन्वर्ट कर चुका हूँ, तो इंटीजर मैं स्ट्रिंग में स्टोर नहीं करा सकता, वो इंटीजर में ही स्टोर होएगा। ठीक है, तो यह बिल्कुल परफेक्ट। लेकिन अब यहाँ पे दिक्कत यह है कि अब जब मैं इसको t5 डॉट सेट एक्स करूँगा तो यहाँ पे इसके अंदर एक स्ट्रिंग पास करनी पड़ेगी मेरे को। ठीक है, तो अब मेरे को वापस इस इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे टू स्ट्रिंग मेथड का यूज़ किया और इसके अंदर मैंने पास कर दिया अमाउंट पेड। तो आई होप इतने से काम बन जाना चाहिए, वहाँ पे 6,000 आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो चेक किया मैंने, या तो पेंडिंग अमाउंट कितना है 6,000, तो बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, तो ये थी हमारी चेक इन डिटेल्स क्लास। अब फिर नेक्स्ट देखते हैं अब क्या करना है।